जो हमारी कांग्रेस की सरकार है वो जो ही किसी प्रकरण का पता चलता है पूरी तह तक जाती है, अपराधियों को पकड़ती है, जो बरामदगी होती है उसको बरामदगी होती करती है और उसके बाद में सजा के बिंदु तक पहुंचाने का काम करती है। दूसरा सवाल ये है कि अब ईडी आई है, हम तो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे क्योंकि जो केंद्र की सरकार है मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है वो पॉलिटिकली टास्क लेकर के ईडी, इनकम टैक्स और सीपीआई का दुरुपयोग करती है, जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है। हम स्वागत करेंगे उनका कि वो जो चाहें जो करें, जिस तरीके का पॉलिटिकल टास्क लेकर के वो करें, कोई यहाँ डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। जब हम स्वयं चल करके इन दोनों तीनों प्रकरणों में पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए आरपीएससी सदस्य का जब पता चला कि इसने बेईमानी की है, इसने पेपर जो है आउट किया है और पैसे लिए हैं, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको बाकायदा गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया, ईडी ने थोड़ी किया है। अब ईडी तो राजनीतिक नौटंकी करेगी और पॉलिटिकली किनको क्रेज करना है ये शायद उनके निशाने पे होगा। अगर हमारी जांच से वो संतुष्ट नहीं होते तो एक अलग बात होती, लेकिन ये तो 12 महीने से चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हों, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ साहब हों, चाहे दूसरे कोई बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी हों, ये तमाम यही तो बात कह रहे हैं, ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा, सीबीआई आएगा और फिर भाजपा यहाँ राजस्थान में चुनाव जीत जाएगी। आरपीएससी का तो राजस्थान की सरकार को जो ही सूचना मिली त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा जो पेपर चोरी करवा रहे थे या जो उनको बता रहे थे उनको पकड़ा, और उसके बाद में तय तक जाने के बाद में राजस्थान की पुलिस ने बहुत ही शानदार काम करते हुए बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के मेंबर थे उनको पकड़ा, उनको जेल के अंदर भेजा, जो उनके यहाँ से बरामद हुआ पैसा वैसा उसको पकड़ा, किसी को बख्शने का काम नहीं किया। ये भजन लाल के आज गए तो इस भजन लाल को रीट पेपर में, पेपर के मामले में राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा है, और जो सेक्रेटरीट में पैसा मिला ये भी कोई राजेंद्र जी राठौड़ ने या कोई बीजेपी के नेता ने या कोई अमित शाह जी ने, इसने नहीं पकड़वाया। ये हमारे जो ही सूचना मिली कि इस तरीके की संदिग्ध राशि यहाँ सेक्रेटरीट में अमुक कमरे में अमुक आलमारी में है, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उदयपुर थे मैं भी साथ था, तुरंत कहा गया कि समस्त मीडिया के साथियों को बुलाया जाए, डीजी जाए, सीएस जाए और सबके सामने पूरा खुलासा किया जाए और उस प्रकरण में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पूरी डिटेल से जांच की जाए। ईडी राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण के अंदर बाबूलाल जी कटारा और कोई विष्णोई बता रहे हैं उनके घर पे कोई छापेमारी की सूचना आ रही है, मीडिया के माध्यम से पता चला है। पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे रीट का प्रकरण हो, चाहे सचिवालय में पैसे मिलने का प्रकरण हो, जो ही किसी तरीके का कोई भी घटना का आभास हुआ, अपराध का आभास हुआ, भ्रष्टाचार की कोई किसी तरीके से सूचना मिली तो राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। आप देख सकते हो कि जब रीट का मामला आया तो पूरी तह तक गए, कहाँ से पेपर आया, किन लोगों ने बदमाशी की, किन लोगों ने चोरियाँ की, 6-8 महीने लगे, 200 लोगों के लगभग जेलों के अंदर गए और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने करने का काम किया। राठौड़ को तो बोलने का हक ही नहीं, राजेंद्र जी राठौड़ के तो समय में NHM घोटाला हुआ था, तब केंद्र में यही बीजेपी की सरकार थी, क्या आई थी क्या ईडी, किस किस के का क्या क्या मिला था? और एक बात बता दीजिए, पिछले 5 साल में ऐसा एक भी घटना नहीं हुई भ्रष्टाचार की जिसके ऊपर ईडी को आना चाहिए था, क्या ऐसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी रूलिंग वाले स्टेट के अंदर इस तरीके की कोई भाजपा के किसी मंत्री मुख्यमंत्री या अधिकारियों के यहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है? आप बताइए, केवल कांग्रेस शासित राज्यों में जहाँ पर सरकारें अच्छा काम कर रही हैं
ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं और जो घटना घटित होती है उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेते हुए बड़े से बड़े लोगों को पकड़ रही हैं। अब ये क्या करेंगे आप बताइए कि जब आरपीएससी के मेंबर को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया, हमारी सरकार ने उसको पकड़ा, उसके पैसे मिल गए, तो कोई छुपाया थोड़ी हमने। जब हमारी सरकार ने कुछ छुपाया ही नहीं तो फिर ये नौटंकी क्यों? बट मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है और जिस धारा में और जिस एजेंसी के लायक कोई मामला है तो उसमें किसी भी तरह की जांच करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है और हम तो इसका स्वागत करेंगे। बट जो ये मामला आया गया है ये केवल और केवल पॉलिटिकली है और वो इसलिए है कि 12 महीने से बीजेपी के नेता कह रहे थे, सबको डराने की चेष्टा कर रहे थे कि ईडी आ रही है। अरे भाई, ईडी में भी आदमी काम करते हैं, ईडी के अधिकारी एक सीमा तक आप उनको मिसयूज करने की बात कर सकते हो, लेकिन वो भी तो व्यक्ति है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, जनता का दिल जीत करके, जनता की सेवा करके, जनता के काम करके और चुनाव जीता जाता है, इन संस्थाओं से चुनाव नहीं जीता जाता।